कर्नाटक में जो 0 वॉट का बल्ब आ गया है उसे लग रहा है कि कितनी रोशनी हो गई। वैसे यह भ्रम उनका है जो बना रहना चाहिए। हाल ही में एक नेता ने कांग्रेस पर जमकर वार किया है। अब चलिए आपको ये भी बता दें कि आखिर ऐसा किसने कहा है। वेलकम, मैं वर्णिका तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम आपको पूरी खबर बताएं, उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीत का जो मंत्र दिया था उस पर अब एमपी की बीजेपी ने अमल करना शुरू भी कर दिया है। इसी के चलते 12 जुलाई को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें विजय संकल्प अभियान का खाका तैयार किया गया। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर समेत कोर कमेटी के सदस्य भी शामिल थे और ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इसी बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल थे और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए ये बयान दे डाला। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए ये कह दिया कि कर्नाटक में जो 0 वॉट का बल्ब आ गया है उसे लग रहा है कि कितनी रोशनी हो गई। वैसे ये भ्रम उनका है जो बना रहना चाहिए। बीजेपी को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। गुजरात और यूपी में ही देख लें, कुछ दिन बाद एमपी को भी याद कर लेना। 64,000 बूथों पर हमारे प्रहरी तैयार खड़े हैं। इसी के साथ वीडी शर्मा ने ये कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के कैंपेन को लेकर अमित शाह ने जो टास्क दिए हैं उन पर अमल शुरू कर दिया गया है। इसी से जुड़े मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। सभी कार्यकर्ताओं को 100% चुनावी मोड पर आने को कहा गया है। बैठक में चुनावी कैलेंडर पर चर्चा की गई है। अब बीजेपी प्रदेश में यात्राएं निकालेगी, इसका स्वरूप जल्द ही सामने आएगा। आपको बता दें कि 11 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर काम में तेजी लाने और संगठन में कसावट लाने की नसीहत दी। शाह की नसीहत के बाद से ही प्रदेश का भाजपा संगठन एक्टिव मोड में आ चुका है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव के पहले निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा की तर्ज पर इस बार भी यात्राएं निकाली जाएंगी, मगर वीडी शर्मा ने अभी तक यात्राओं की तारीखों और रूट का खुलासा नहीं किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी वर्णिका तिवारी को दीजिए इजाजत। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।